नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज पर। 2019 में ऋतिक रोशन की वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, बनी साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इस गांधी जयंती पर रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अच्छे वर्षों में से एक बन गया है और इसके साथ ही अधिकांश ए-लिस्टर्स कलाकारों को इस साल अपने करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का स्वाद चखने का अवसर भी मिला है। तो वहीं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर सहित अक्षय कुमार ने इस साल बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मामले में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दी है। यहां हम आपको बताते चलते हैं कि ऋतिक रोशन की वॉर ने खजाने पर कब्जा करते हुए 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है, जिसके बारे में ऋतिक रोशन कहते हैं, ये हमेशा चीजों का एक संयोजन रहा है। ये कहानी दमदार एक्शन, फिल्म का स्तर, उसे दिया जाने वाला ट्रीटमेंट या कुछ और हो सकता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। हर फिल्म के बाद ये समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या काम किया, और अगर नहीं किया है तो किस चीज में कमी रह गई है। खैर, फिल्म वॉर और सुपर 30 के साथ ऋतिक रोशन के लिए एक फलदायक वर्ष रहा है 2019, और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करने में सफलता भी हासिल की है। यही नहीं, वॉर ऋतिक रोशन की अब तक की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन चुकी है। वैसे अगर हम कबीर सिंह की बात करें तो शाहिद कपूर की कबीर सिंह ने सभी को चौंका दिया है। इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने एक बार फिर शाहिद कपूर को रेस का हिस्सा बना दिया है। जैसे कि ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श का मानना है कि इन साल कंटेंट का बोलबाला रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टार की शक्ति के साथ पावर दर्शकों को एक और दो दिन आकर्षित करता है, लेकिन उसके बाद कंटेंट का जादू दर्शकों को खींचता है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर ने भी फिल्म छिछोरे के साथ सफलता का स्वाद चखने में सफल रहे हैं, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। जबकि विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता ने भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस फिल्म में अभिनेता का परफॉर्मेंस सभी को अपेक्षाओं से अधिक था, उन्हें एक बहुप्रशंसित स्टार बना दिया था। इसके अलावा अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार, जिनके पास बॉक्स ऑफिस पर एक स्पष्ट ट्रेड रिकॉर्ड है, उन्हें भी मिशन मंगल के साथ लंबे करियर की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म मिल गई है, जो भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन के चारों ओर घूमती है। हाउसफुल 4 जल्द मिशन मंगल से आगे निकलते हुए अक्षय कुमार की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार है। खैर, एक तरफ जहां मसाला फिल्मों ने कमाल का काम किया, वहीं ड्रीम गर्ल जैसी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म भी बनी, जो आयुष्मान खुराना की अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है। लेकिन जो भी हो, फिल्म वॉर ने दुनिया भर में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। न केवल भारत में बल्कि ऋतिक की वॉर ने ओवरसीज में भी बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से 2019 ऋतिक रोशन के लिए लकी साबित हुआ है और उन्हें ये लोकप्रियता हासिल हुई है उनकी फिल्म वॉर से, जो कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर छाई हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे और भी लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल टुडेज। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।